हेलो दोस्तों, आज है 19 मई और आज की वीडियो में हम बात करेंगे लोकल से वोकल, जो आजकल बहुत चर्चा का विषय बन गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद स्वदेशी कंपनियों ने लोकल ब्रांड के लिए नई स्फूर्ति देखी जा रही है। स्थानीय उत्पादों को बढ़ती मांग के मद्देनजर कई कंपनियों ने अगले वित्त वर्ष से विस्तार की योजना भी बनाई है। साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद उनकी कंपनियों की स्थिति तेजी से ठीक होगी। मोबाइल, हेडसेट, चाय, साबुन, ऑटो और FMCG सेक्टर की कंपनियों ने अपने कारोबार के बारे में नए सिरे से सोच रही है और उसी के अनुसार अपनी योजनाएं बनाने में जुट गई है। ऐसा केवल देश में ही नहीं, अमेरिका में भी हो रहा है। और इसी सिलसिले में पतंजलि आयुर्वेद के स्वामी रामदेव ने कहा कि खाद्य तेलों से लेकर फूड प्रोडक्ट और FMCG में 1,00,000 करोड़ रुपए तक करने की भूमिका निभाने के लिए पतंजलि प्रतिबद्ध है। उनके मुताबिक इससे 10 से 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद जताई है। और वहीं घड़ी डिटर्जेंट बनाने वाली कंपनी के डायरेक्टर ने बताया कि देश की अर्थव्यवस्था तभी पुनर्जीवित होगी जब हम देसी कंपनियों को सपोर्ट करेंगे। हमारे 20 प्लांट है और उसकी खपत लगातार बढ़ रही है, जरूरत हुई तो एक और प्लांट लगाएंगे। और दोस्तों, कई कंपनियों ने अपनी ब्रांडिंग की योजना बनाई है। बाघ बकरी टी ग्रुप के डायरेक्टर ने बताया कि हमारी चाय 20 देशों में बिकती है, हम और प्रचार करेंगे कि लोकल कंपनी होने के बाद भी हम आगे कैसे बढ़े। प्रधानमंत्री की अपील के बाद उम्मीद है कि हमारे उत्पादन की डिमांड और भी बढ़ेगी। और वहीं ब्लूमबर्ग की हालिया सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 40% अमेरिकियों ने कहा कि उन्हें चीन के बने प्रोडक्ट नहीं चाहिए, जबकि 22% अमेरिकियों ने भारत से बने उत्पादों को भविष्य में खरीदने से मना किया है। ऐसे में भारतीय भी स्वदेशी प्रोडक्ट खरीदने के लिए आगे आएंगे। तो दोस्तों, 19-20 का थोड़ा बहुत फर्क होगा, लेकिन हमें जितना बन सके उतना स्वदेशी प्रोडक्ट को ही खरीदना चाहिए और हमारे देश को हमें सपोर्ट करना चाहिए ताकि हमारी अर्थव्यवस्था जल्दी से ठीक हो जाए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर ऐसी जानकारी के साथ आपसे मुलाकात करूंगी। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी वो मुझे ज़रूर बताना। जय हिंद।